हेलो दोस्तों, हम अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं जो कि प्रॉब्लम है सर्कुलर वेव गाइड पे। इसकी प्रॉब्लम आती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है सर्कुलर वेव गाइड। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, T11 मोड इज प्रोपोगेटिंग थ्रू अ सर्कुलर वेव गाइड। द गाइड इज एयर फिल्ड एंड हैज अ डायमीटर ऑफ 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट गिवन X11 इक्वल टू 1.841। पहला पार्ट में कैलकुलेट करना कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, दूसरे पार्ट में गाइड वेवलेंथ फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ 2.5 GHz पर, एंड वेव इम्पिडेंस हमें निकालना 2.5 GHz पर। ठीक है, जब हम सर्कुलर वेव गाइड की बात करते हैं तो यहाँ पर T11 जो मोड होता है वो डोमिनेंट मोड होता है। ठीक है, अब हमें सबसे पहले पैरामीटर कौन से गिवन है हम वो देख लेते हैं। जो पैरामीटर हमें गिवन है वो है X-11 इक्वल टू 1.841 T11 मोड के लिए। डायमीटर हमें दिया हुआ था 12 सेंटीमीटर, तो हम रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर बाई 2, तो हाफ हो जाएगा यानी 6 सेंटीमीटर। और जो फ्रिक्वेंसी गिवन है वो कितना है, 2.5 GHz। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है, पहला पार्ट कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे। तो FC इक्वल टू जो फार्मूला होता है C × X11′/2πr। सर्कुलर ये होता है सर्कुलर वेव गाइड के लिए। ठीक है, थोड़ा सा अलग होगा ये जो कि रेक्टेंगुलर वेव गाइड में था। सी की वैल्यू हमें पता है कि यहाँ पे हम सेंटीमीटर में पुट कर रहे हैं, 3 × 10^10। X11′ की वैल्यू 1.841 अपॉन 2π की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करने पर जो फ्रिक्वेंसी आई है वो आई है 1.46 GHz कट ऑफ फ्रिक्वेंसी। ठीक है, दूसरे पार्ट में हमें क्या कैलकुलेट करना है, गाइड वेवलेंथ, जो कि गाइड वेवलेंथ होता है λg इक्वल टू λ0/√1−fc/f2। तो इससे पहले हम क्या कर रहे हैं कि λ0 निकाल लिया हमने। λ0 क्या, जो कि वेवलेंथ है फ्री स्पेस में। ठीक है, c/f, तो c हो गया 3 × 10^10, और फ्रिक्वेंसी हमें दिया हुआ है 2.5 GHz। इसको कैलकुलेट करने पे कितना आएगा, 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम क्या है कि गाइड वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, λg = λ0√1−fc/f2। λ0 हम निकाल चुके हैं, 12 सेंटीमीटर है। √1−fc की वैल्यू कितनी है, 1.46 GHz, और f की वैल्यू कितनी है, 2.5 GHz जो हमें दिया हुआ है। तो GHz कैंसिल हो जाएगा 10^9, तो इसका होल स्क्वायर रख दिया। इसको हमने कैलकुलेट किया तो वो कितना आएगा, 14.78 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो अगला पार्ट है उसमें हमें कैलकुलेट करना वेव इम्पिडेंस, वेव इम्पिडेंस फॉर TE वेव के लिए। तो वेव इम्पिडेंस जो TE वेव के लिए होगा वो क्या होगा, Zg = η × λg/λ0। ठीक है, इसको हम क्या है कि इस फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं कि η√1−λ0/λc2। तो हमने λg हमने पुट कर दिया वहाँ से, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो λg हम निकाल चुके हैं, ईटा की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, 377 ओम होती है। ईटा की वैल्यू 377 और इंटू λg 14.78 / λ0 हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट करने पे जो हमारा इम्पीडेंस आएगा वो कितना आएगा, 464.34 ओम। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और फिर रख देंगे। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे हम।